ऐसा है पूरे सूबे में, पूरे देश में जो आज सरकार है वो हर तरह से संविधान लोकतंत्र के विपरीत काम कर रही है। किसान तबाह है, नौजवान बेकार बेरोजगार है, इसलिए पूरे देशभर के लोगों से बिहार के महागठबंधन के सभी पार्टी के प्रत्याशियों को और यहाँ भी मधेपुरा में और सहरसा को जनता से मेरी अपील है, ये इलाका विकास में पिछड़ रहा है, सारी सड़कें ऊपर हालत में है। 5 बरस में हमारा मधेपुरा बहुत पीछे चला गया है। हमारा प्रयास ये है कि मधेपुरा का और बिहार का विकास जो है वो तेजी से बढ़े और यहाँ जो मधेपुरा है, सहरसा है, यहाँ हर तरह का सड़कें ठीक थी जब हमने छोड़ा था, कई तरह के काम किए थे, सब ठप है। यहाँ ठेकेदार काम नहीं करना चाहते, लोग वसूली करके उनको घुमाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ की जनता हर तरह से रोड रास्ता विकास के नाम पर तबाह है। इसलिए यहाँ के सभी मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव उनका है, आज लोकतंत्र हो तो जनाब जो बैलेट पेपर है, बैलेट फ्रेंचाइज है, मताधिकार है, वो खतरे में है, ऐसा कभी था नहीं। ये इतिहास का बहुत बड़ा मौका है, पार्टी का सवाल नहीं, सभी नागरिकों को अपना हक बचाने के लिए वोट डालना चाहिए। ये वोट जो है हम लोग पार्टी के लोग नहीं जनता बचा सकती है और आ भी रही है मधेपुरा की जनता। बड़े पैमाने पर सब नागरिकों से मेरी अपील है कि ये चुनाव अपना माने और आज देश की जो विकट परिस्थिति है उससे निकालने का काम करें। इस इलाके में बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े हैं, हम भी यहाँ चुनाव कई बार लड़े हैं, इसलिए यहाँ जागरूक इलाका है। सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि वो खड़े होकर के इस चुनाव को अपना चुनाव माने, अपने मताधिकार को बचाने का काम करें। ये चुनाव ऐसा है कि यदि बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गया, तो फिर आने वाले समय में कोई चुनाव होने वाला नहीं है। आचार्य कटका ने वीपी मंडल, वीपी भूपेन्द्र मंडल यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग जीते हैं, खेरे मुसर यहाँ से जीते हैं। देश का सबसे ज़्यादा दलित तबका है, सबसे ज़्यादा लाचार विवश है, बहुत गरीब है, वो भी इसी धरती से जीता है। इसलिए यहाँ देश में बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र को बचाने का काम मधेपुरा के लोग करेंगे, सहरसा के लोग करेंगे। सभी नागरिकों से मेरी अपील है, धन्यवाद।